नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म को देखेंगे। आपके सिलेबस में ये 12 मार्क्स के लिए है और आपको एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन निकल कर आ सकते हैं, लेकिन तीनों का कंटेंट एक ही है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म, कंपोनेंट्स ऑफ सोशलिज्म और प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म, ये आपको 3 क्वेश्चन निकल कर आ सकते हैं, लेकिन तीनों का कंटेंट एक ही है। और एग्ज़ाम में आपको कभी कभार डिफाइन सोशलिज्म इन इंडिया, ये सवाल भी पूछा जाता है। तो ये भी हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं आपको सोशलिज्म का एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। इमेजिन करिए, यूरोप का मेडिवियल एज और हाल ही में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है और मिडिल क्लास के पास अभी नया नया पैसा आया है और उसको खर्च करना है। तो इसलिए क्या होता है कि यूरोप के जो लोग हैं वो अलग अलग टाइप के एग्जॉटिक चीज़ें पूरी दुनिया से ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं, और जो पैसा आ रहा है उससे वो हथियार बना रहे हैं, अलग अलग टाइप की फैक्ट्रीज बना रहे हैं, स्टील की फैक्ट्री जैसे हो गई, अलग अलग टाइप की फैक्ट्रीज बना रहे हैं। और इसमें दुनिया भर से लाया हुआ सस्ता लेबर और साथ में यूरोप का सस्ता लेबर उन्होंने एम्प्लॉय कर दिया है। आज के ज़माने में हमें 9 to 5 जॉब होता है, वैसे उस ज़माने में बिल्कुल नहीं है। उस ज़माने में जो लेबर काम कर रहा है उसको 12 से लेकर 14 घंटा तो मिनिमम काम करना पड़ रहा है और लेबर की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। तो इसी के साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है फ्रांस में, और वो वहाँ की मोनार्की को उठाकर फेंक देते हैं, उनको मार डालते हैं। और साथ में वहाँ के जो लिबरल थिंकर्स है वो एक थॉट, मतलब एक विचार वो लोग प्रेजेंट करते हैं कि क्यों ना एक सोसाइटी, मतलब सोसाइटी इन रिसोर्सेस को कंट्रोल करना चालू कर दे। तो एक विचार, इस विचार का उदय हो गया है और ये बाद में चलकर सोशलिज्म बनता है। तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग को एग्ज़ाम में क्या लिखना है वो देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म, इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। सोशलिज्म इमर्ज्ड इन द मिड 18th सेंचुरी। सोशलिज्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। वी नो दैट लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आर द 4 मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी स्टेट्स दैट ऑल ऑफ दिस शुड बी कलेक्टिवली ओन बाय द सोसाइटी। सोशलिज्म स्टेट्स दैट सोसाइटी इज द सुप्रीम अथॉरिटी एंड ऑल द रिसोर्सेस शुड बी कलेक्टिवली ओन बाय द सोसाइटी। इसका मतलब सोशलिज्म का जो उदय है वो 18वीं शताब्दी के मध्य में हुआ, और सोशलिज्म एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, और सोशलिज्म के बाद में सब साम्यवाद, मार्क्सवाद, ये सारे लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का उदय होना चालू हो गया। अभी इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको 4 मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। और सोशलिस्ट लोग क्या कहते हैं कि इन चारों का कंट्रोल सोसाइटी के हाथ में होना चाहिए और कलेक्टिवली होना चाहिए, यानी कोई एक इंडिविजुअल इन चारों का ओनर नहीं होना चाहिए, पूरा समाज इनको कलेक्टिवली ओन करेगा। सोशलिज्म ये कहता है कि सोसाइटी एक सुप्रीम अथॉरिटी है और सारे रिसोर्सेस यानी कुछ भी हो समाज का होगा और कलेक्टिव होगा। अभी कोर एलिमेंट्स ऑफ सोशलिज्म, माफ कीजिए मैंने इधर सोशियोलॉजी लिखा है, आपको एग्जाम में कोर एलिमेंट्स ऑफ सोशलिज्म पूछे जाएंगे। तो सोशलिज्म के 5 कोर एलिमेंट्स है। एक है कम्युनिटी, दूसरा है कॉमन ओनरशिप, तीसरा है कोऑपरेशन, चौथा है इक्वालिटी और पांचवा है सोशल क्लास। और हम हर एक को 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सोशलिज्म को हिंदी में बोलते हैं समाजवाद। कम्युनिटी का मतलब है समाज, तो नाम में ही समाज है तो समाज एक कोर एलिमेंट तो होना ही चाहिए। तो कम्युनिटी, कम्युनिटी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ह्यूमंस आर सोशल क्रीचर्स। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस डिपेंड अपॉन द कम्युनिटी अराउंड हिम। सोशलिस्ट लोग कहते हैं कि इंसान एक सोशल एनिमल है और इंसान अकेला नहीं रह सकता, और इंसान किस लोकेलिटी में होता है उससे उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो देखी जाती है। दूसरा कॉमन एलिमेंट है कॉमन ओनरशिप। सोशलिस्ट लोग ये मानते हैं कि सारे रिसोर्सेस को सोसाइटी ने कॉमनली ओन करना चाहिए, और इससे क्या होता है, समाज में हार्मनी बढ़ती है, समाज में भाईचारा बढ़ता है। कोऑपरेशन, तीसरा कोर एलिमेंट है कोऑपरेशन। सोशलिस्ट लोग मानते हैं कि इंसान शुरू से ही कोऑपरेटिव होता है, लेकिन कैपिटलिज्म हम लोग को
कंपटीशन बनाता है। अगर आपने थ्री इडियट्स मूवी देखा होगा तो उसमें वायरस का लाइन है, लाइफ इज अ रेस, और ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का एक निशान है, उसका एक प्रतीक है। सोशलिस्ट लोग बोलते हैं कि इंसान बचपन से ही कोऑपरेटिव होता है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग कैपिटलिस्ट एरा में जी रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे हम लोग कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की तरफ बढ़ते जाते हैं। चौथा कोर एलिमेंट है सोशलिज्म का, वो है इक्वालिटी। सोशलिस्ट लोग मानते हैं कि इंसान को सिर्फ तीन बेसिक नीड्स होते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, साथ में आज के ज़माने के साथ एजुकेशन और हेल्थ, ये सारे कोर एलिमेंट्स भी आ चुके हैं। लेकिन कोई भी इंसान हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे रशिया में हो, या फिर कोई भी देश में, ये तीन एलिमेंट हर एक को कॉमन ही रहेंगे, यानी रोटी कपड़ा मकान, इनके बगैर कोई जी नहीं पाएगा। तो सोशलिस्ट इसलिए बोलते हैं कि हर इंसान इक्वल है। पांचवा और आखिरी कोर एलिमेंट है सोशल क्लास। ये जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज है वो एक क्लास कॉन्सेप्ट को देखती है, और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है वो इंडिविजुअल इंसान को देखती है। जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है वो लेबर क्लास को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, और सोशलिज्म एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, इसीलिए वो भी लेबर क्लास को अपना मतलब मॉडल मानती है। सोशलिस्ट बिलीव दैट ह्यूमंस शुड बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोशल क्लास, सोशल क्लास शुड बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट, वर्किंग क्लास इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। और इस स्टेटमेंट से सोशलिज्म एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है इसका पता चलता है, क्योंकि सोशलिस्ट लोग कहते हैं कि वर्किंग क्लास इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। सोशलिस्ट लोग बोलते हैं कि इंसान को क्लास से डिवाइड करना चाहिए, और वो जो क्लास है वो हम लोग डे टू डे लाइफ में सर्वाइवल के लिए क्या कर रहे हैं, यानी हम लोग लॉ स्टूडेंट हैं, हम लोग लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, आगे चलकर हम लोग लॉयर बनेंगे, कई लोग सीए होते हैं, कई लोग डॉक्टर्स होते हैं, तो ये सोशल क्लास है। यानी डॉक्टर्स का एक क्लास, वकीलों का एक क्लास, सीए लोगों का एक क्लास, इनमें समाज को डिवाइड करना चाहिए। लेकिन सोशलिस्ट लोगों के हिसाब से वर्किंग क्लास, यानी जो लेबरर्स है, वर्कमैन है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि यही समाज का बिल्डिंग करता है। आपको एग्जाम में प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म भी माने जाएंगे। तो सोशलिज्म के कोर प्रिंसिपल्स देखते हैं। सोसाइटी इज द सुप्रीम अथॉरिटी, ये पहला प्रिंसिपल है। ऑल द रिसोर्सेस शुड बी कलेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी, ये दूसरा प्रिंसिपल है। तीसरा प्रिंसिपल है प्राइवेट प्रॉपर्टी शुड बी एबॉलिश्ड। चौथा प्रिंसिपल है अपोजिस कैपिटलिज्म, और पांचवा प्रिंसिपल है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी। तो ये कोर प्रिंसिपल्स है, हम लोग हर एक को वन बाय वन देखेंगे। पहला कोर प्रिंसिपल क्या है? सोसाइटी इज द सुप्रीम अथॉरिटी। सोशलिज्म में देखिए, नाम में ही सोसाइटी है, नाम में ही समाज है, तो सोशलिज्म ये कहता है कि सोसाइटी इज द सुप्रीम अथॉरिटी। सोशलिज्म स्टेट्स दैट सोसाइटी इज द सुप्रीम अथॉरिटी एंड ऑल द रिसोर्सेज शुड बी कलेक्टिवली ओन्ड बाय द सोसाइटी, यानी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो पूरे समाज को एक साथ ओन करने चाहिए। दूसरा कोर एलिमेंट है ऑल द रिसोर्सेज शुड बी कलेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी। आपको पहले स्टेटमेंट के अंत में ही मैंने बताया, सोशलिज्म अपोजेस प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड एनविसेजेस दैट ऑल द रिसोर्सेज शुड बी कलेक्टिवली ओन्ड बाय द सोसाइटी। कैपिटलिज्म क्या कहता है कि इंडिविजुअल फ्रीडम होना चाहिए, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ओन करना चाहिए, और सोशलिज्म ठीक उसके अपोजिट फिलोसॉफी है। वो कहता है प्राइवेट प्रॉपर्टी से क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी से इनइक्वालिटी बढ़ती है। यानी आप कोई भी बिलीनियर देख लीजिए, उसके पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन होगी, लेकिन हम लोग जो मिडिल क्लास है वो मुश्किल से 1,000 square feet के घर के अंदर रहते हैं, और कई लोग को तो वो भी नसीब नहीं होता। चौथा प्रिंसिपल क्या कहता है? सोशलिज्म अपोजेस कैपिटलिज्म। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इज द स्टॉन्च अपोनेंट ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म प्रमोट्स दैट इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिशन, लाइसेंस फेयर पॉलिसी एक्सेट्रा। वाइल सोशलिज्म कंप्लीटली अपोजेस कैपिटलिस्ट पॉलिसीज एंड गिव सोशलिस्ट पॉलिसीज एज इट्स काउंटर पार्ट्स। सोशलिज्म क्या कहता है? सोशलिज्म पूरी तरह से कैपिटलिज्म अपोज करता है। लेकिन सोशलिज्म इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बाकी सारे लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज क्या करते हैं? सिर्फ कैपिटलिज्म को अपोज करते हैं,
लेकिन कुछ आइडियोलॉजीज छोड़ दे तो सिर्फ सोशलिज्म कैपिटलिज्म का एक काउंटर पार्ट यानी दूसरी सोशियोलॉजी यानी पर्यायी पर्यायी व्यवस्था क्या है वो सोशलिज्म डिस्कस करता है। पांचवा कोर प्रिंसिपल है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी। सोशलिस्ट बिलीव दैट ऑल ह्यूमंस हैव सिमिलर बेसिक नीड्स दैट इज फूड वाटर एंड शेल्टर। फर्दर सोशियोलॉजिस्ट सपोर्ट्स द कम्युनिटी मॉडल हेंस इक्वालिटी स्टैंडर्ड्स देयर मॉडल। यानी समाजवाद समाज को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और अगर समाज में सारे लोग समान हो गए तो इनसे उनका मॉडल ही स्ट्रेंथन होता है उनका मॉडल ही मजबूत होता जाता है इसीलिए वो इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अभी आपको लास्ट पार्ट है आपके क्वेश्चन का सोशलिज्म इन इंडिया। आपको कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफाइन सोशलिज्म इन इंडिया तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको लिखना है द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रीएम्बल वॉज इंक्लूडेड बाई द 42nd अमेंडमेंट इन द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। 42nd अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ अपने प्रीएम्बल की लाइन देखिए इंडिया इज अ सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 42nd अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं आपको अगर पता नहीं हो तो बता देना चाहता हूँ। अभी सोशलिज्म ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच तो हो गया अभी बाद में इंडिया में सोशलिज्म और कहाँ कहाँ है। इंडियन इकोनॉमी एक सेमी सोशल मिक्स्ड इकोनॉमी है क्योंकि हमारे जो कोर इंडस्ट्रीज है इंडिया के जो कि है डिफेंस न्यूक्लियर एनर्जी रेलवेज ये सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करते हैं। अपने इंडिया में कई फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से डायरेक्टली इंस्पायर्ड है क्योंकि हमारे जो मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्होंने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का भी बहुत अच्छा अभ्यास किया था और बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोशलिज्म पे खास इम्पोर्टेंस दिया था खास एम्फसिस दिया था। अभी लैंड रिफॉर्म्स एंड द नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज एंड द बैंकिंग सेक्टर वेयर सोशलिस्ट मूव। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे और कई बैंकों के नेशनलाइजेशन हुए थे और ये एक सोशलिस्ट मूव है तो ये भी हमारे मतलब इंडिया के सोशलिज्म का एक भाग हो गया। प्री इंडिपेंडेंस में क्या हुआ था विनोबा भावे जी थे जयप्रकाश नारायण थे इन्होंने पीसफुल एक ये किया था प्रोटेस्ट किया था और भूदान मूवमेंट यानी एक भूदान मूवमेंट चालू किया था सर्वोदया मूवमेंट चालू किया था। इससे उन्होंने क्या किया था जो अमीर लैंडलॉर्ड्स थे उनको रिक्वेस्ट किया था कि इक्वालिटी के लिए अपनी ज़मीनें दान कर दो और कई कई अमीर लोगों ने अपनी ज़मीनें दान कर दी थी भूदान मूवमेंट के अंडर। मैनी जुडिशियल लॉज एंड जजमेंट्स वेयर ऑल्सो गिवन विद द सोशलिस्ट परस्पेक्टिव। अभी हम लोग प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया अभी हम लोग को लीगल एंगल देखना है। आपको सिर्फ इतना स्टेटमेंट डालना है क्योंकि आप प्री लॉ वाले हो तो सिर्फ इतना स्टेटमेंट डालो कि मैनी जुडिशियल लॉज एंड जजमेंट्स वेयर ऑल्सो गिवन विद द सोशलिस्ट परस्पेक्टिव। मैनी सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैव सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द इंडियन पॉलिटिक्स। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और बाकी सारी सोशलिस्ट पार्टीज इनका एक कंसिडरेबल प्रेजेंस है इंडियन पॉलिटिक्स में तो ये भी एक सोशलिज्म इन इंडिया का एक पार्ट है। मेरे ख्याल से आपका लेक्चर अभी समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।